हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इफ द थर्ड टर्म इज 6 एंड 17th टर्म इज 34। सो हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट और जो कॉमन टर्म होता है, फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है किसी एपी का, वो फाइंड करना है। एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा सीक्वेंस होता है नंबर का जिसमें क्या होता है, एक पैटर्न दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे पैटर्न क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये है हमारा 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हमारी ये सीक्वेंस चली जा रही है। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या है, इनमें जो डिफरेंस होगा, नंबर्स होते हैं जो प्रीवियस नंबर और जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें एक कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे प्रीवियस नंबर 1 है, उसका नेक्स्ट नंबर 3 है, तो 3 माइनस 1 करोगे तो कितना आया, 2 आया। ऐसे अगले जो दो नंबर है, जो अल्टरनेट नंबर है, जैसे यहाँ पे डी, तो फिर से यहाँ पे मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो फिर से सेम आ जाएगा, 5 माइनस 3 करूँगा तो 2 आएगा। यानी ये डिफरेंस जो होता है कॉमन होता है। अब ये सीरीज हमें दे रखी है 1 3 5 7, हमें बोल दिया इसमें कि आप इसकी 20वीं टर्म निकालिए, 20th टर्म निकालो, 20वां नंबर कौन सा होगा इस सीक्वेंस में। तो कैसे पता चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कि हम ऐसे निकाल सकते हैं, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता है उस सीक्वेंस का, आपको पहला नंबर पता है और आपको जो निकालना है एन, एन की वैल्यू वो हो जाएगी 12 20th, तो मैं 20th यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ, इसका वो नंबर, इस सीक्वेंस का नंबर निकाल सकता हूँ कि 20वां कौन सा नंबर होगा इस सीक्वेंस में। तो यही जो लॉजिक है ये यहाँ पे अप्लाई होगा। हमें क्या बोल रखा है, हमें यहाँ पे पहला टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहला टर्म हमने क्या मान लिया कि ए है, पहला टर्म हमें दिया नहीं है तो हमने क्या मान लिया कि ए है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी हमने मान लिया डी है। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे अपना जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म निकालना चाहता तो मैं कैसे लिख सकता था, A3 बराबर क्या हो सकता था हमारा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है हमारी फर्स्ट टर्म है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे 17th टर्म निकालना चाहता, A 17th, तो क्या हो जाता हमारा, A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो ये थर्ड टर्म हमें दे रखी है, कितना है ये 6 है, तो ये किसके बराबर होनी चाहिए, 6 के बराबर होनी चाहिए, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, 17th टर्म हमें दे रखी है 34। तो यहाँ पे देखिए ये हमें क्या मिल गई, दो इक्वेशन मिल गई। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना, इसको हमने क्या माना, इक्वेशन सेकंड माना। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड तब मानो, पहले इनको सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2d, और ये कितना हुआ, ए प्लस 17 माइनस 1 16d, ये बराबर हो गया हमारा 6, ये बराबर हो गया हमारा 34। यहाँ पे हमें क्या मिल गई, ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड मिल गई। अब क्या कर दो, इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट में आप मल्टीप्लाई करो किसका, हम यहाँ पे ये करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम किसका। अच्छा, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं, सीधे सीधे ये कर दो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड को माइनस करो। तो यहाँ पे देखो माइनस करोगे जैसे ही, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पे प्लस का रहा होगा कुछ नहीं रहा होगा, तो ये भी माइनस हो गया। अब यहाँ पे आप इसको घटाओगे, इक्वेशन एक में से इक्वेशन दो, ये सो कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा माइनस का 14d बराबर, यहाँ क्या बचा माइनस का 28। यहाँ से आप देख सकते हो d की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 28 डिवाइड बाई -14 कितना हो गया, 14 दूनी 28, तो 2। डी की वैल्यू तो आपके पास आ गई 2, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें मिल गया है। अब ये डी 2 आया है तो आप यहाँ पे डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो डी बराबर 2 पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू 6, तो ए बराबर कितना बचेगा हमारा, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो भी मिल गया ए बराबर 2, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस था वो भी हमें मिल गया डी बराबर 2। तो ये है जी हमारा, क्या क्या पूछ रखा था, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछ रखा था, तो वो हमने निकाल दिया। फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस क्या है वो भी 2। सो इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा हम उसमें ये जो कंडीशन है हमारी nth टर्म वाली
उसको लगा करके आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।